तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया है कि नाना पाटेकर ने फिल्म हॉर्नो के ब्लीज के सेट पर 10 साल पहले यौन उत्पीड़न किया था। इस बयान के बाद बॉलीवुड में मानो बगावत छिड़ गई हो, चारों तरफ सिर्फ एक ही जिक्र हो रहा है, तनुश्री दत्ता का। तो ही बॉलीवुड की माने तो कुछ इस विषय पर पूरी तरह चुप है, तो वही कुछ ने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे में अब काजोल ने इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दी बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में से एक काजोल ने खुलकर बोला है। काजोल ने साफ कर दिया है कि वो बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न निश्चित रूप से होता है। हालांकि काजोल अभी नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री के तरफ से लगाए गए आरोपों की पूरी डिटेल से वाकिफ नहीं है, लेकिन छुपते छुपाते काजोल की बातों से साफ लग रहा है कि तनुश्री के साथ जो हुआ है वो सच है। बता दी काजोल ने यह भी कहा है कि उत्पीड़न केवल फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुषों की तरफ से महिलाओं का उत्पीड़न पूरे समाज की एक सच्चाई है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।